प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों से ज्यादा बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश के भविष्य की नींव मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में मामूली विसंगति को दूर करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए नियुक्ति तो दे दी जाएगी, लेकिन मेरिट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इसका आश्वासन आदेश जारी किया है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम या अधिक भरा था, उनसे अंक पत्र की मूल प्रति प्राप्त कर उन्हें कम या अधिक अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही ये शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि वह कम या अधिक अंक के आधार पर चयन से सहमत है। भविष्य में अधिक प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि BSA की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 मई 2020 तक जारी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा। यह भी साफ किया है कि चयनित महिला अभ्यर्थी की किसी दूसरी जाति में शादी होने मात्र से उसकी जाति नहीं बदलेगी, बल्कि वही जाति मानी जाएगी जिसमें उसने जन्म लिया है। पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चयनित होने वाली महिला अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.